नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दयाल पक्षी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दयाल पक्षी एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत दुर्लभ पक्षी है। दोस्तों, यह पक्षी आजकल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों यह पक्षी लुप्त होने की कगार पर है। आपको यह पक्षी खास करके गांव में, खेतों में, खलिहानों में तथा नदियों के पास, तालाब के आसपास देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहरों में इस पक्षी की जो आबादी है वो लुप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलता है। यह पक्षी बहुत ही दुर्लभ है। दोस्तों, इस पक्षी की घटती संख्या हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि दोस्तों इस पक्षी को पर्यावरण का रक्षक माना जाता है। दोस्तों, जितना भी पक्षी हो, चाहे कोई सा भी जीव हो, उसका हमारे धरती पर हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्रजाति लुप्त हो जाए तो दोस्तों हम इंसानों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह पक्षी दिखने में बहुत सुंदर होता है और यह पक्षी हमेशा पूंछ हिलाता रहता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य भोजन होता है कीट पतंगे तथा जंगली अनाज होता है। दोस्तों, इस पक्षी को हमेशा जो है शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास यह पक्षी घोंसला बना करके रहता है तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में सदैव एक शांति का और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके घर में बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी, और दोस्तों आपके घर में हमेशा खुशहाली आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इस पक्षी का घोंसला दिखे आपके घर के आसपास, और अगर कोई इस पक्षी को परेशान करता है तो दोस्तों आप उसे रोकिए और समझाइए कि दोस्तों इस पक्षी को हमें बचाना चाहिए। दोस्तों, यह पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा गया है कि दोस्तों अगर दयाल पक्षी अगर आपके घर के आसपास रहता है तो दोस्तों यकीन मानिए, सोने पे सुहागा है। इस पक्षी के आपके आसपास रहने से आपको बरसात के समय कोई भी जहरीला कीड़ा नहीं काट सकता। जब दोस्तों देखा होगा आपने, बारिश होती है तब दोस्तों बहुत सारे जहरीले कीट पतंग आ जाते हैं और इंसानों को काट लेते हैं, जिससे इंसानों को इन्फेक्शन हो जाता है और कई तरह के रोग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके आसपास दयाल पक्षी होगा तो दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी कीटाणु और कोई भी कीट पतंग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, यह आपको जहरीले कीट पतंगों से बचाता है और बहुत ही अद्भुत पक्षी होता है। दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है। इस पक्षी को दया रूपी माना जाता है, और दोस्तों इसका स्वभाव बहुत ही शांत होता है और यह पक्षी बहुत ही चंचल होता है। दोस्तों, इस पक्षी की जो आभा होती है अपने आप में हैरान कर देने वाली होती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके खेतों में, जी हाँ दोस्तों, अगर यह पक्षी दिखे आपके आसपास या घर के आसपास दिखे तो दोस्तों इस पक्षी को बिल्कुल भी परेशान ना करें। इसको बचाने के लिए, इसको जो है, इसको बहुत सारी मुसीबतों से बचाने के लिए, जो लोग इनका शिकार करते हैं उनसे बचाने के लिए आप लोगों को जागरूक करें, और इस पक्षी को बचाने के लिए छोटा छोटा घोंसला बनाएं, और दोस्तों हो सके तो इनके लिए पानी रखें। इनके लिए ही नहीं, दुनिया का कोई भी पक्षी हो, सभी पक्षी के लिए आप जो है अपने छत में पानी रखिएगा। दोस्तों, जब आप अपने घर के छत पर पानी रखेंगे तो दोस्तों हर तरह के पक्षी पानी पीने आते हैं, जिससे दोस्तों आपको पुण्य मिलता है, आपको सवाब मिलता है। इससे बड़ी आपके लिए क्या बात होगी, आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, दयाल पक्षी अपने आप में बहुत ही सुंदर और पवित्र पक्षी माना जाता है। भारतीय साहित्य में इस पक्षी को बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है। इस पक्षी को बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह पक्षी मूलतः भारत का है। आपको यह पक्षी इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी कि एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में आपको यह पक्षी मिलेगा, खासकर भारत में देखने को। दोस्तों, इस पक्षी को हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर यह पक्षी होगा, इंसानों को और हमारे पर्यावरण को इतने फायदे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी इस दयाल पक्षी के बारे में। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।